बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। ये बाबा हैं बागेश्वर धाम के पुजारी और मशहूर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा का दिव्य दरबार, कथा के बाद जादू टोना और अर्जी। बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री, ओ गॉड, ये बाबा खत्म ही नहीं हो रहे। ये कितने वीडियो बनाऊं मैं इन पे? और जैसे ही मैं ये बोल रहा हूँ, लोग बोलेंगे आ गया वामपंथी, आ गया हिंदू विरोधी, आ गया सनातन विरोधी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे मेरे भाई, मैं किसी धर्म का ना विरोधी हूँ, ना किसी धर्म का समर्थक हूँ। आप इस वीडियो में जाके देख लो, मैं समर्थक हूँ साइंटिफिक टेम्परामेंट का, कॉमन सेंस का। और ये साइंटिफिक टेम्परामेंट, कॉमन सेंस सिर्फ साइंटिस्ट के पास ही नहीं होता है, ये कोई भी रख सकता है। और कॉमन सेंस ये कहता है कि ऑलमोस्ट 100% चीजें आप साइंस की दीवी इस्तेमाल कर रहे हैं आज की तारीख में, तो फिर भी कैसे आपको आज भी जो है चमत्कार पर ज्यादा विश्वास है और आविष्कार पे कम? सनातनी हिंदू, सनातनी संत और सनातनी भक्तों पर टारगेट उठाना, उंगली उठाना बहुत सरल है। और यहाँ पे लोग अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए बोलेंगे कि भैया कितनी ज्यादा एक तरह से सनातन विरोधी बातें हो रही है, हिंदू धर्म खतरे में है। ओह गॉड, भाई सनातन धर्म खतरे में नहीं है, आप खतरे में हो ऐसे बाबाओं की संगति में। और ये जिस तरह की उलझुल हरकतें करते हैं ना, उससे कोई सनातन धर्म गौरवान्वित नहीं हो रहा है, उल्टा ही उसी का मजाक बन रहा है। पूरे वर्ल्ड में जो है लोग देख के हंसते हैं ऐसी चीजें। और किस सनातन धर्म की बात कर रहे हो? हमारा सनातन धर्म अलाउ करता है डिबेट करने को, एक वाद विवाद करने को, विचार विमर्श करने का। और उसी का नतीजा है कि हमारे पास में बहुत तगड़े तगड़े फिलोसोफर्स हैं, वो भले आदि शंकराचार्य हो या फिर ओशो हो या फिर बहुत सारे। से वाद विवाद का टेम्परामेंट, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट हमारे में हमेशा से था। इस वजह से हम उन थियोरीज को, उन चीजों को रिवाइज करते गए और उस अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने की बात करते गए। प्लुरलिज्म यानी के अनेकवाद या बहुत्ववाद, यानी बहुत सारी अंतिम सत्ताएं हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत सारी अंतिम सत्ताएं हैं। कुछ लोगों ने कहा ना भाई, अंतिम सत्ता केवल एक है। और जिन्होंने कहा कि अंतिम सत्ता केवल एक है, इनको बोलते हैं मोनिज्म या मोनिस्ट, यानी एकवाद। इस बीच में कुछ और लोग उभरे और बोले कि ना, अंतिम सत्ता ना तो अनेक है ना एक है, बल्कि दो हैं। और इनका नाम पड़ गया ड्यूअलिज्म या द्वैतवाद। तो भाई मेरे, आप जो कर रहे हो किसी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं है, बल्कि लोगों के इनसिक्योरिटीज को, जहां पे वो एकदम मजबूर हो जाते हैं कि अब उन्हें किसी भी तरह से कोई राहत नहीं मिल रही, तो उस इनसिक्योरिटी को आप यूज कर रहे हो अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए, अपना एक तरह से क्राउड फंडिंग करने के लिए। हमें जो प्रेरणा लगेगी वो हम बोलेंगे, बताएंगे दरबार में। जो बालाजी की प्रेरणा लगेगी, हम ईश्वर नहीं है, हम कोई चमत्कारी आदमी नहीं। तो भैया अगर आप चमत्कार नहीं करते, तो फिर आप चमत्कार को सपोर्ट ही तो कर रहे हो कि मेरे अंदर जो है समहो प्रेरणा आती है इष्ट देवता से और वो मैं लिखता हूँ, ये क्या है फिर चमत्कार नहीं है तो? अब इस मिरेकल को समझना है, हर वो चीज जो इंसान को समझ नहीं आती वो उसके लिए मिरेकल है, हर वो चीज जो साइंस के दायरे से बाहर है वो उसके लिए मिरेकल है। जबकि एक्चुअल में मिरेकल नाम की कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। अगर अपने माइंड को आपको स्ट्रांग बनाना है तो इस बात को सबसे पहले एक्सेप्ट करना होगा, कॉज एंड इफेक्ट है। हर चीज का एक कॉज होता है, उसका एक इफेक्ट आता है, वो इफेक्ट अपने आप में एक कॉज होता है जिसमें से मल्टीपल इफेक्ट्स निकलते हैं। वो हर इफेक्ट अपने आप में एक कॉज है, और जहां पर ये कॉज पकड़ में आ गया वो साइंस है, जहां वो पकड़ में नहीं आया वो मिरेकल है। और एक बात बताओ, आपको प्रेरणा मिलती है बालाजी से, हनुमान जी से आप कहते हो। अब एक अगर हनुमान जी को इतनी लोकेशन का अच्छे से पता था, अगर हम उन्हीं की स्टोरीज में जाएं जो पहले थी, तो उन्हें क्या खुद का अपना ज्ञात नहीं था कि उनके पास कितनी शक्तियां हैं? उनको तो याद दिलाना पड़ा था, जागो बजरंग बली, जागो हनुमान, जागो, जागो बजरंग बली, जागो, अपनी शक्ति को याद करो। और जैसा कि आप बता रहे हो जिस बारीकी के लेवल पे, वो बारीकी के लेवल पे खुद हनुमान जी को नहीं पता था अपने टाइम पे, नहीं तो वो सीता मैया की खोज क्यों करते, कभी यहाँ कभी वहां, कभी किसी रावण के महल तो कभी कहाँ, फिर जाके मिला। जब वो घर में रखी एक एक चीज का पता आपके थ्रू बता सकते हैं, तो ऐसा कैसे हो गया कि वो सीता जी का पता खुद नहीं खोज पाए? अब कोई भी आदमी महान बनता है अपने कर्मों से, और इसलिए हनुमान जी महान हैं और थे और रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके नाम का यूज करते हुए आप कुछ भी मतलब बेवकूफों वाली बात करने लग जाओगे। आपकी जो है यहाँ दरबार में ही पंडाल में बैठे बैठे चैन निकाल ली, सुनीता नाम की औरत ने निकाली, और वह औरत वर्तमान में पंडाल के बाहर है, 2 तोला की चैन थी। यहाँ से दाहिने हाथ तरफ में शायद रंगीन वस्त्र पहने महावर वाला काम शायद वो करती है जिसने चैन निकाली। और एक बात बताओ यार, अगर ये आदमी इतना ज्यादा थॉटफुली एक एक चीज को केयरफुली बता सकता है कहाँ पे क्या रखा है,
तो हमारे जो मोदी जी है वो पागल थे जो वहां पे भेजा डिफेंस लैब के अंदर पता करने को कि भाई एक ऐसा रोबोट बनाओ जिससे कि पाकिस्तान में जब सर्जिकल स्ट्राइक करनी थी तो हम लोकेशन का पता लगा सके। सबको पहुंच जाना चाहिए था बागेश्वर धाम और इनके चरणों में पहुंच के पूछना चाहिए था कि बताओ भाई पाकिस्तान के अंदर कहां कहां पे जो है हमें बॉम्ब अटैक करना चाहिए और कहां कहां पे क्या हमें स्ट्रेटेजी करना चाहिए, और क्यों हमने जबरदस्ती यहां वहां स्पाई जासूस और भेज रखे इंटेलिजेंस का हम यूज कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस तो बागेश्वर धाम में होनी चाहिए कि बस वहां पे पहुंचो और वो एक एक चीज बता देंगे। देखिए ये जुमला है, तो दो एनर्जी होती है, नकारात्मक एवं सकारात्मक ऊर्जा। उससे ग्रसित जो लोग हैं वो धाम पर जाते हैं, और धाम पर जो हमें हनुमान चालीसा का विधान हमारे गुरुदेव ने दिया है हम उसका प्रयोग करते हैं और गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी की जो भी सेना है, हे बागेश्वर बालाजी, ये जितने भी ग्रसित हैं शरीर में इन सब की पीड़ा को दूर करो। और श्री हनुमान जी महाराज ऐसी लीला कर देते हैं कि उन नकारात्मक ऊर्जा के ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और वो ऊर्जा धीरे धीरे स्नेह हो जाती है। आप एक किसी साइकेट्रिस्ट से मिलो, किसी साइकोथेरेपिस्ट से मिलो, वो आपके लिए ज्यादा सही है बजाय कि इन बाबाओं के चक्कर में, क्योंकि उस मेंटल स्टेट में जब आप ऑलरेडी वल्नरेबल है, ऑलरेडी एक बहुत ही नीचे स्टेट में घिरे हुए हैं, तो अगर आपके अंदर कुछ भी इम्प्लांट कर दिया गया ऐसा जो कि सही नहीं है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और नीचे चली जाएगी और आप हरेस भी होंगे और बहुत सारे केसेस आते हैं। मतलब लाइन लगी पड़ी ऐसे बाबाओं की, हर एक दो साल के अंदर कोई ना कोई बाबा पकड़ा जाता है। पता नहीं बुद्धि क्यों नहीं आती लोगों की, फिर भी बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं। और जब आत्मा की सोल की बात कर रहे हो कि बुरी आत्मा है, नेगेटिव एनर्जी है, प्रेत आत्मा, व्हाटएवर जो भी आप बोलते हो, वो भाई आत्मा खुद अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, एक फिलोसॉफी है, वो कोई वेल प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। इसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बात की, आप जाके समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आज आपको अंतिम रहस्य समझ में आने वाले हैं। कुछ समझ में नहीं आने वाले, मैं पहले भी स्पष्ट कर रहा हूँ, ये मदारी वाला मामला नहीं है, ना बाबाओं वाला मामला है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ ये बताएंगे कि लोगों ने क्या क्या सोचा, और सच ये है कि अंतिम सत्य किसी को नहीं पता है। सबके अपने अपने रास्ते हैं, अफवाहें हैं, अपनी अपनी राय है, ओपिनियंस हैं। हमें तो बस ये पता होना चाहिए कि ओपिनियंस क्या क्या हैं। मैं आपसे आधे घंटे से बात कर रहा हूं, मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? आइए दरबार में हम बताएंगे, ऐसे तो तुम मजा लेकर के चले जाओगे। नहीं, मैं दरबार में जरूर आऊंगा। आइए, वेलकम टू यू दरबार। दरबार की जो परंपरा है उसको निभाए। और ये कैसी बात है कि जब आप अपनी लोकेशन पे पहुंचोगे तभी आप बता पाओगे किसी के बारे में। आपको अगर इन जनरल पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे ही नहीं, बताओगे ही नहीं। भाई अगर किसी को कुछ पता है, अगर किसी को कोई प्रेरणा आती है तो वो तो कहीं भी आ सकती है। मेरे को अगर कोई पूछेगा कि वैक्सीन क्या होता है तो भाई अगर कोई मुझे लैब में पूछे, भले रूम में पूछे, जंगल में पूछे, कहां पूछे, मैं बता दूंगा। या अगर मुझे कोई आइडिया आना होगा तो वो तो कहीं भी आ सकता है, इंस्पिरेशन कहीं भी आ सकती है। मतलब इसका लोकेशन से क्या लेना देना है? पिछले कुछ समय से मैं माइंड रीडिंग को स्टडी कर रहा हूं, जिसको मेंटलिज्म भी बोलते हैं। पहले मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, ये जो मेंटलिज्म का एक्ट मैंने परफॉर्म किया ये कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, ये एक साइंस है, आर्ट है, जो कोई भी कर सकता है, कोई भी सीख सकता है। अब कल तो मैं बोलने लग जाऊं कि डार्विन जो है वो मेरे अंदर आके प्रेरणा देता है कि मुझे कैसे रिसर्च डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, मुझे कैसे काम करना चाहिए, और जबकि वो एक महान साइंटिस्ट ही था, तो मतलब इस बात का कोई सेंस बनेगा? मतलब आप मजाक उड़ाओगे मेरा? या हजार साल बाद में कोई और बोलने लग जाए कि डॉक्टर कलाम जो है मुझे आके इंस्पिरेशन देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि कैसे जो है वो रॉकेट बनना चाहिए, किस ऑर्बिटल में भेजना चाहिए, कितने डिग्री पे भेजना चाहिए, डज इट इवन मेक एनी सेंस? अब इन भक्तों के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। पहला वो बोलेंगे कि भाई तू सिर्फ व्यूज पाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उन्हें और कोई लॉजिक तो बना नहीं, तो सिर्फ यही बोल सकते हैं। तो मेरे भाई, पहली बात तो मैं व्यूज बनाने के लिए वीडियो नहीं बनाता, ऐसा मैंने कई बार बताया है अपने वीडियोस में, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को वैसे भी विश्वास तो होगा नहीं तो कोई बात नहीं। केवल इस बात में कि हर बार हम सब हिंदुओं को ही टारगेट क्यों बनाया जाता है, और हर बार साधु संतों, कभी पादरियों पर क्यों नहीं इन्होंने टारगेट किया, कभी मौलवियों पर क्यों नहीं टारगेट किया? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, सोल वाला वीडियो जाके देख लेना, 30 सेकंड में समझ में आ जाएगा। और दूसरी चीज, अगर आपको कोई वीडियो मिलता है, कभी भी मिलता है, कि कोई मौलवी, पादरी या किसी भी रिलीजन का बेवकूफी फैला रहा है, आप फ्री हो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, और मुझे अगर वो सही लगेगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो। और कमेंट सेक्शन आप कितना भी हेट दे दो, मैं हमेशा ऑन रखता हूं, आप सदगुरु वाले वीडियो में जाके देख लो, डोंट वरी। तो आप फुल ऑन क्रिटिसिज्म दीजिए, फुल ऑन एलिगेशन लगाइए, लेकिन आप पते की बात कीजिए। अगर आपको कुछ साइंटिफिकली नहीं समझ आई बात, लॉजिक में प्रॉब्लम लगा, तो मैं उसे एनकाउंटर करता हूँ, और अगर यहाँ पे कोई वैलिड इनपुट आता है तो सर्टेनली मैं उस पर कुछ काम करता हूँ। अदरवाइज गालियाँ तो क्या है, मिलती रहती है, मतलब ठीक है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।
जबरदस्ती भगवान का बंदा मत बन, जिनने कोशिश की आधे जेल में है।